22 May 2022, rainy day in Iran. Assalamu alaikum guys, I am Rais Khan and you are watching YouTube channel Musafir. 22 मई 2022 को जब हम बाबूसर टॉप से नारान के लिए वापसी आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मगर जब हम नारान पहुँचे तो यहाँ का मंज़र बहुत ही दिलकश था, अमेजिंग व्यू था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो भी बना के शेयर कर दूँ। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ नारान बाज़ार का टूर शेयर करूँगा। पहले मैंने रात के टाइम नारान बाज़ार को एक्सप्लोर किया था, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लें। मगर दिन में और बारिश में जो नारान बाज़ार का व्यू है वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा। मुझे पहले नहीं पता था और ना ही मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया है, मगर मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सबवे भी है और वो भी दरियाए कुनहार के किनारे पे, जो कि बहुत ही हसीन मंज़र पेश करता है। वो सामने आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से नारान बाज़ार शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से लोग जो हैं वो होटलों में हैं, बाहर नहीं निकले हुए सड़कों पे। अक्सर आपको इस तरह की जीपें नज़र आएंगी नारान में, जब भी आप नारान के करीब करीब पहुँचेंगे, बल्कि जब आप बालाकोट से आगे किवाई से आगे शुरू करेंगे ट्रैवल तो आपको इसी तरह की जीपें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। नारान बाज़ार काफ़ी अच्छा बाज़ार है। यहाँ के रेट्स जो मैंने एक्सप्लोर किए वो ज़्यादा नहीं थे, मगर काफ़ी हद तक अच्छे रेट्स थे। थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं आपके साथ लोग, यानी कि आपको डिस्काउंट कर देते हैं। अदरवाइज़ कुछ शॉप्स वाले ऐसे भी हैं जो डिस्काउंट नहीं करते, उनके रेट्स जो हैं वो बिल्कुल ही फिक्स होते हैं। ये जो सामने आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, इसके बिल्कुल बैक साइड पे दरियाए कुनहार है जो कि नारान बाज़ार के साथ साथ चलता है, और इसी साइड पे कुछ ऐसे होटल्स भी हैं जो आपको मिलेंगे जहाँ पे आप रूम्स ले सकते हैं। आई थिंक उनके जो फेयर्स हैं, किराए हैं, वो थोड़े महंगे होंगे। अदरवाइज़ जहाँ पर हमने लिया था वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर लगाई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसका मैंने किराया बताया है और रूम्स का रिव्यू भी दिया है। यहाँ पर खाने में आपको जो रेस्टोरेंट अच्छे मिलेंगे, एक पंजाब टिक्का हाउस है जहाँ से कुछ बेहतर खाना मिल सकता है आपको, और दूसरा यहाँ पर बट कढ़ाई भी है जो कि इस वीडियो में भी आपके साथ में शेयर करूँगा, वहाँ से भी आप अच्छा खाना खा सकते हैं। तकरीबन सारा जो बाज़ार है नारान का ये एक ही साइड पे है, यानी कि आप एक साइड से शुरू करें और दूसरी साइड पे ये ख़त्म हो जाता है और आप आगे बालाकोट के लिए निकल जाते हैं। नारान बाज़ार की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो होटल वाले हैं वो थोड़ी रियायत कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई कोई होटल वाला ऐसा जो रियायत नहीं भी करता। बहरहाल यहाँ के किराए मुझे मुनासिब लगे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल था। मैंने तो ये सोचा हुआ था कि यहाँ पे जो होटल्स के किराए हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, मगर ऐसा नहीं है। मैंने जो रूम लिया था वो 5500 में हमें दो रूम्स पड़े थे और वो बहुत ही कमाल का होटल था। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको इससे भी सस्ते होटल मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। सामने पहाड़ का जो व्यू लाइव नज़र आ रहा है आँखों से, बहुत ही औसम है। इस बाज़ार में आपको गर्म कपड़ों की दुकानें, लॉन्ग शूज़ और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर जो रेट्स हैं कपड़ों के वो इतने ज़्यादा हाई भी नहीं है जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा रेट्स होंगे। तकरीबन नारान बाज़ार 2 से 3 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि ये रास्ता इसका चलता है, आप इसको क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पुलिस चौकी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कोई मसला हो, कोई आपको शिकायत हो, किसी से कोई इशू हो तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, अपना इशू सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, दीजिए रईस खान को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।